अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्यूटी सीक्रेट्स। होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो आज हम करने वाले हैं लिवॉन हेयर सीरम का रिव्यू। पहले हम बात करेंगे इसकी पैकेजिंग के बारे में, इसकी प्राइस देखेंगे, फिर देखेंगे कि कंपनी क्लेम क्या करती है, इसके प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, इसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे, इसको यूज़ कैसे करते हैं इसके बारे में बताऊँगी आपको। मैं ये लिवॉन हेयर सीरम ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से यूज़ कर रही हूँ। ऑन एंड ऑफ मैं यूज़ करती रहती हूँ इसको। मेरा अपना पर्सनल क्या एक्सपीरियंस रहा है इसको यूज़ करने के बाद, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी, लेकिन वीडियो के एंड में। जी तो इसकी पैकेजिंग बाहर से कुछ इस तरह से है, बहुत खूबसूरत सी पैकेजिंग है इसकी। अब इसको हम अंदर से खोल के देखते हैं। अंदर से इस तरह का है, ये इस तरह की ये बॉटल है, ट्रांसपेरेंट बॉडी है विद पिंक कैप, बहुत अपीलिंग लुक्स हैं इसकी। ट्रैवल साइज प्रोडक्ट है ये, इजी टू कैरी है। जी तो अब देखते हैं कि कंपनी क्लेम क्या करती है इसके बारे में। कंपनी का ये क्लेम है कि ये फॉर ऑल हेयर टाइप्स के लिए है, डैमेज प्रोटेक्शन करता है ये, फ्रीजीनेस को कंट्रोल करता है, टेंगल हेयर्स को जो है वो अनटेंगल करता है, रिड्यूस करता है ब्रेकेज को, और जो हेयर्स हैं उनको सिल्की और शाइनी करता है। इसमें विटामिन ई है, लाइट वेट फॉर्म्यूला है ये, और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो माइल्ड है। ये सारा क्लेम जो है वो कंपनी ने इसकी पैकेजिंग पे किया हुआ है। 100 ml की इसकी बॉटल है और प्राइस इसकी है 450। इसके इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं अब। फर्स्ट इंग्रेडिएंट है इसका, उसका नेम बड़ा ही लंबा सा और मुश्किल सा है, आई ट्राई टू प्रोनाउंस, साइलोफेन टासिलोजन। ये सिलिकॉन रेगुलरली यूज़ होता है कॉस्मेटिक्स में। ये कलरलेस होता है, नॉन ग्रीसी, थिन वाटर होता है ये स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होता। ये हमारे हेयर्स के लिए सेफ होता है, ये हेयर्स को सिल्की करता है और वेव्स को ख़त्म करता है। दूसरा इंग्रेडिएंट हमारे पास है डेमिथिकोनल। ये नॉन ग्रीसी सिलिकॉन इंग्रेडिएंट जो है वो शाइन और सॉफ्टनेस देता है हमारे हेयर्स को। लिवॉन हेयर सीरम का थर्ड इंग्रेडिएंट है ऑर्गन ऑयल। ऑर्गन ऑयल जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं प्लांट्स से, बेसिकली ये प्लांट बेस्ड ऑयल होते हैं। ये स्किन और हेयर्स को मॉइस्चराइज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इन ऑयल्स में विटामिन ई की जो है वो रिच क्वांटिटी पाई जाती है, जो कि स्कैल्प की ड्राइनेस को और फ्रीजीनेस को जो है वो रिड्यूस करते हैं और हेयर्स को बूस्ट शाइन देते हैं। और फोर्थ इंग्रेडिएंट है विटामिन ई, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे हेयर्स के लिए, हमारी बॉडी के लिए। और फिफ्थ इंग्रेडिएंट है फ्रेग्रेंस, जो कि फ्लोरा फ्रेग्रेंस इसमें यूज़ की गई है, फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस। ये तो थी कुछ इन्फॉर्मेशन इंग्रेडिएंट्स के बारे में। अब हम चलते हैं इसके यूजेज की तरफ, कि इसको यूज़ कैसे करना है। हेयर्स को शैम्पू करने के बाद जो है टॉवल ड्राई करना है, हेयर ड्रायर से ड्राई नहीं करना। बालों को टॉवल ड्राई के बाद जो है वो हमने अपने हाथ में कुछ ड्रॉप्स डालने हैं लिवॉन हेयर सीरम के, और इसको जो है लेंथ में अप्लाई कर देना है, मिडल से बॉटम की तरफ लगाना है हमने। लिवॉन हेयर सीरम को हम अपने ड्राई हेयर्स में भी लगा सकते हैं। समटाइम जो है वो टेंगल्स आ जाते हैं फ्रीजीनेस की वजह से हेयर्स में, तो कॉम्बिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लिवॉन हेयर सीरम के कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो हेयर्स को अनटेंगल करने में हेल्प देते हैं। आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि लिवॉन हेयर सीरम यूज़ करने से जो है वो आपका लेस ब्रेकेज होगा, कम बाल टूटेंगे आपके। अब आ जाती है बारी प्रोज की। फर्स्टली तो ये कि ये बहुत रीज़नेबल प्राइस में है। इतनी कम प्राइस में कोई भी हेयर सीरम, इतना अच्छा हेयर सीरम नहीं मिलता। लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट्स हैं इसके, लाइट वेट है इसका, फ्लोरा फ्रेग्रेंस है जो कि सबको ही बहुत पसंद होती है, ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग है इसकी, ये फ्रीजीनेस को कंट्रोल करता है, हेयर्स में शाइन ऐड करता है, हेयर्स को सॉफ्ट करता है और मैनेजेबल करता है कॉम्बिंग के लिए। ये एज अ हीट प्रोटेक्टर भी वर्क करता है। आयरन या कर्लर यूज़ करने से पहले जो है हम इसको लगा लें तो हमारे बाल जो हैं वो कम से कम बर्न होंगे और हमारे हेयर्स जो हैं वो बहुत शाइनी और सॉफ्ट लुक भी देंगे। नेक्स्ट प्रोज इसका है कि ये हेयर्स को डीटेंगल करता है आफ्टर हेयर वॉश, क्योंकि बालों को वॉश करने के बाद बहुत ज़्यादा जो हैं वो टैंगल्स बन जाते हैं, इतनी आसानी से डीटेंगल नहीं होते, लेकिन ये हेयर सीरम यूज़ करने से बहुत आसानी से जो है बाल डीटेंगल हो जाते हैं।
और सबसे मज़े की बात, ये एवरी सॉर्ट ऑफ हेयर्स के लिए है, मीन्स ये सूट करता है हर तरह के बालों को। जी तो अब आ रही है कॉन्स की, तो मज़े की बात है देर आर नो कॉन्स ऑफ दिस प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के आपको फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान कोई भी नहीं है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं इसको 10 ईयर्स से जो है यूज़ कर रही हूँ। ये मेरा फ़र्स्ट हेयर सीरम था जो मैंने बाय किया था, और मुझे एक ब्यूटिशियन ने रेकमेंड किया था, तब से अब तक मेरा ये बेस्ट हेयर सीरम है। अगर आप लोग वाकई कोई अच्छी चीज़ कम पैसों में परचेज़ करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट चॉइस है। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी आप लोगों के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।